हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज मैं डाल रही हूँ फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन, और मैं किस तरह से अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन कर रखी हूँ और किस तरह से बैटरी से उस तरीके से सेट कर सकूँ रखी हूँ वो सब दिखा रही हूँ। और फ्रिज चाहे छोटा हो बड़े हो, उसे अच्छी तरह से सेट करना और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना और साफ सुथरा रखना यह बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही हूँ, किस तरह से मैं उसको रखती हूँ और अपने अपने फ्रिज में किस तरह से आइटम वगैरह सेट करती हूँ, वो सब आपसे दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ मेरा फ्रिज और किस प्रकार से मैंने ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है और वो सब दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऊपर का जो डेकोरेशन, ये है मनी प्लांट, मैंने वॉटर के अंदर लगा रखा है। और ये है पॉट और सेरेमिक, ये पॉट है और ये मैंने डीआई किया हुआ है, खुद ही बनाया है। ये बैटरी का ऊपर है। ये सब आप फ्रिज के ऊपर आप डेकोरेशन आइटम रख सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल हो वो सब रख सकते हो फ्रिज के अंदर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रिज मेरा सैमसंग कंपनी का है और डिजिटल इन्वर्टर है इसके अंदर। ये 10 साल की गारंटी है और ये डबल स्टोर का है मेरा फ्रिज। आप देख सकते हो ये मेरा फ्रिज है, ये डबल स्टोर का है। इसका कलर मैरून है, इसमें कुछ पत्तियाँ वगैरह इस तरह से प्रिंट की हुई है और इसका कलर मैरून है। ये इसका ये नॉर्मल हो, ये आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का सिस्टम है। ये 5 डिग्री पर है। अब इसे आप आइस में करने के लिए इसके थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है इसको, इसे अभी आइस के पर हो गया, ये आइस पर हो गया। अभी ये आप इसको वापस प्रेस करने पर ये नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर। अभी टम इसका नॉर्मल हो गया आइस वाला ड्रो की। अब ये आप दिखा रहे हो, ये ऊपर वाली ड्रो है मेरी, ये ऊपर वाली ड्रो है। इस वाली ड्रो में ये ट्रे है, आइस जमाने की ट्रे है और ये आइस जमती है। यहाँ पर बच्चे तो चॉकलेट वगैरह एक्स्ट्रा होती है तो यहाँ पर रख देते हैं। मैं मिला इसमें मिलाई रख मिली हूँ ये, क्योंकि अब फिलहाल नॉर्मल टेम्परेचर है ना, तो इसमें मिलाई रख देती हूँ 7-8 दिन की, यहाँ पर लगा देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा वगैरह दूध वगैरह दही वगैरह हो तो यहाँ पर लगा देती हूँ। और अब मैं इस वाली ड्रो में, साइड वाली ड्रो में दिखा रही हूँ आपको, ये है साइड वाली ड्रो। इसमें कुछ सूप वगैरह, बच्चों के लिए सूप वगैरह रख रही हूँ, स्वीट कॉर्नस रखे हैं और ये कुछ बर्थडे का है कुछ सामान, वो यहाँ पर मैंने रख दिया। और नीचे वाली ड्रो में कुछ लिपस्टिक वगैरह, नैन पेंट वगैरह सेट कर रखी हूँ। यहाँ पर क्रीम वगैरह कुछ एक्स्ट्रा होती है तो यहाँ पर मेकअप का सामान जो आराम से चल जाता है, ये सूखते नहीं है, पहले नैन पेंट वगैरह यहाँ पर ही रख देती हूँ और जब भी यूज लेती हूँ तो काम ले लेती हूँ निकाल कर। यहाँ पर इस वाली ड्रो में नैन पेंट वगैरह रखती हूँ। अब आपको मैं दिखा रही हूँ सेकेंड वाली ड्रो, नीचे वाली ड्रो दिखा रही हूँ फ्रिज की। अब ये नीचे वाली ड्रो है, आप देख सकते हो ये मेरी नीचे वाली ड्रो है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर वाली स्लाइडर, इसमें मैंने रख रखे कुछ बच्चों के बिस्किट वगैरह, पापड़ वगैरह रख रखे हैं। यहाँ पर बिस्किट वगैरह सेट कर देती हूँ जब भी ज़्यादा होते हैं तो। और यहाँ पर मैंने अदरक रखी है, ये मशरूम की ट्रे है, ये इसमें अदरक डालकर रख मिली हूँ। ये अंडे की ट्रे है, इसमें नींबू वगैरह डालकर रख देती हूँ, अंडा वगैरह लाते हैं तो यहाँ पर रख देती हूँ। ये इस तरह से स्लाइड होती है और मैंने इस ये मैट लगा रखी है ताकि ये आसानी से साफ हो जाए, इस तरह की मैट, डाइनिंग टेबल की मैट होती है तो ये मैंने मैट एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने ये यहाँ पर फ्रिज में लगा दी इस तरह से। अब मैं आपको नीचे वाली ड्रो दिखा रही हूँ, नीचे वाली ड्रो में मैंने रख रखी है ये स्टोर बास्केट है और इसमें आप सब्जियाँ वगैरह रख सकते हो, ये सब्जियाँ वगैरह लगा इसमें रख रखी है। इस तरह से ये बास्केट बहुत ही अच्छी रहती है फ्रिज के लिए, इसमें स्टोर कर सकते हो सब्जियाँ वगैरह धोकर इस तरह से। और ये मैंने आटा रख रखा है, थोड़े से मैंने लूणा घी है ये रख रखा है इसके अंदर। ये बास्केट अच्छी रहती है फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह आप इसमें डाल कर रख सकते हो। अब मैं सेकंड वाली ड्रो दिखाती हूँ, ये वाली ड्रो में आप देख सकते हो ये मैट लगा रखी हूँ, इसके नीचे मैट भी लगा रखी है
और ये वाली ड्रो है, इसमें मैंने सब्जियां रख रखी है। ये सब्जियां वगैरह डाल रखी, इसमें सब्जियां अच्छी तरह से वॉश करके आप सब्जी डाल सकते हो इस तरह की बास्केट के अंदर। ये है बास्केट, ये अच्छी रहती है बास्केट। और इसमें कुछ पॉपकॉर्न वगैरह का पैकेट है बच्चों को, ये इसमें लगा रखी। ये आइस का था डब्बा, और मैं इसमें पॉपकॉर्न वगैरह रख देती हूँ बच्चों का। ये है सब्जी की ड्रो, और इसमें सब्जी वगैरह लाते हैं तो यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह दो कर रख देती हूँ, कुछ फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह इस तरह से लगा देती हूँ। इसलिए इसमें भी सब्जी वगैरह कुछ अचार के आइटम वगैरह रख देती हूँ उसके अंदर इस वाली ड्रो में। इस तरह की स्टोर बास्केट से सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर सकते हो, रख सकते हो इसके अंदर। और नीचे वाली ड्रो में मैं फ्रूट ही रखती हूँ, ज़्यादातर इसमें फ्रूट अवेलेबल नहीं है मेरे पास। नीचे वाली ड्रो का ये गेट है, इसमें कुछ आइटम है, इसमें ये है ठंडाई वगैरह, और ये एप्पल का वेनेगर है, और ये मैगी का सॉस है, सॉस वगैरह है, ये सॉस है, ये च्यवनप्राश है, ये दूध घी है। तो एक्स्ट्रा डब पैकेट था तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर मैंने रख रखे हैं केक के कुछ आइटम, कुछ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कस्टर्ड पाउडर, आप देख सको कोको पाउडर के डब्बे इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा कर सेट कर रखे हैं। यहाँ ये ड्राई फ्रूट की शीशियाँ हैं, तो ड्राई फ्रूट होते हैं तो यहाँ पर मैं लगा कर रख देती हूँ। ये है कुछ सॉस की शीशियाँ, आप देख सकते हो ये सॉस है, वेनेगर है, ये सोया सॉस है, ये ग्रीन चिली सॉस, और ये शेजवान चटनी का है, और ये चॉकलेट सिर्फ है, और ये च्यवनप्राश का डब्बा है, और ये ग्लूकोंडी। मैंने इस तरह से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है, आप देख सकते हो फ्रिज को साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन कर रखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें सेट कर रखा है। और आप भी अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हो। और फ्रिज चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो तो बखूबी से इसे सलीके से सजाया जा सकता है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक